नमस्कार, बीसी न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है म्यूजिक डायरेक्टर विशाल छेलके, जो कहा जाता है सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत का नाम इन तीनों के एक साथ व्यवहार से पड़ा है। ऐसे संगीत के बारे में आज हम जानेंगे। विशाल जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप संगीत के क्षेत्र की ओर जुड़े, मतलब मुड़े हो, आप नागपुर से हो, कैसी आपकी जर्नी थी, क्या बताओगे हमारे दर्शकों को? जर्नी बड़ी अप एंड डाउन वाली थी। तो मेरी जन्मभूमि नागपुर है। मेरा जन्म यही हुआ था नागपुर में। 10वीं 12वीं तक मैं नागपुर में ही था। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया मुंबई। वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। उसके बाद अलग अलग देशों में आईटी के जॉब्स किए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मेरा फील्ड है नहीं, मुझे आई शुड गो इन टू द म्यूजिक। एंड फिर मैंने वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर मेरा म्यूजिक का जर्नी स्टार्ट हुआ वहाँ से। और देन आई स्टार्टेड लर्निंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अराउंड 7-8 साल तक मैंने वो सीखा पंडित चंद्रकांत ली में, जो मेरे गुरु हैं उनसे, दादर में रहते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में मैंने काम करना चालू किया। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अराउंड 7-8 साल किया काम, फिर गाने बनाने चालू किए, फिर लोगों को पिच करना, गाने पिच करना चालू किया, और फिर ये जुग जुग जियो हो गया। बिल्कुल। जब स्कूल में थे आप, तब कभी संगीत से कुछ आपका कांटेक्ट था, मतलब कुछ संगीत जैसे आप पार्टिसिपेट किया होगा कहीं म्यूजिक के लिए, या फिर कॉलेज के दौरान कुछ ऐसा कुछ यादें हैं आपकी? मैंने पार्टिसिपेट बहुत किया, लेकिन हर बार मैं रिजेक्ट हुआ था। मेरे को इवन छोटे से जो कॉम्पिटिशन होती है उसमें भी मुझे सिलेक्ट नहीं करते थे, बट उससे मेरी हिम्मत और बढ़ती थी कि क्यों सिलेक्ट नहीं किया। फिर मैं और अच्छे से संगीत सीखता था। और बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा बचपन में उतना ज़्यादा नहीं था। जब मेरा इंजीनियरिंग हुआ तभी पुणे में ही मेरे को म्यूजिक का जो भी है ये नशा बोलो या फिर कुछ भी बोलो, मैंने सोच लिया कि मैं म्यूजिक को ही समर्पित करूंगा मेरी पूरी जिंदगी। कैसे रुचि आई, मतलब संगीत में कैसे बढ़े हो आगे, मतलब कोई प्रेरणा रहती है, कोई इंस्पायर करता है हमें, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा? मैं भीमसेन जोशी जी के अभंग काफी सुनता था, और फिर तब से मुझे लगा कि दिस इज समथिंग, इसमें बहुत ताकत है। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए फॉर्मली। बट तभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों का म्यूजिक करूंगा या एडवर्टाइजिंग करूंगा या कुछ भी करूंगा, बट वो मेरा इंस्पिरेशन भीमसेन जोशी जी थे। मुझे ये बताइए, जो अभी आपका जुग जुग जियो में जो गाना आया, इसकी भी बहुत मतलब हिस्ट्री भी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मतलब ये लिखा किसी और मूवी के लिए गाना गया था, ये भी हमें पता है, और इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी जर्नी है कि ये गाना मैंने बनाया था। मेरे जो लिरिसिस्ट है उनका नाम है गुलाम मोहम्मद, उन्होंने ये दो लाइनें नैनता हीरे भर के ले गए दिलदार चंद, ये भेजी थी मुझे। फिर मैं चंडीगढ़ में था, मैंने कंपोज किया। मैंने तुरंत शशांक खेतान जी जो है डायरेक्टर, जिन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया वगैरह बनाई थी, उनको मैंने भेजा था। उनको बहुत पसंद आया गाना, तो तुरंत उन्होंने ये गाना लग गया था गुड न्यूज़ फिल्म में, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म थी, उसमें लग गया। तो सम हाउ आई थॉट कि हाँ, मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई यहाँ से, मेरा अच्छा हो गया अभी यहाँ से। बट सम हाउ वो गाना लास्ट मोमेंट पे पिक्चर से निकल गया और मेरी स्ट्रगल फिर से शुरुआत हो गई। उसके बाद फिर से 2 साल वेट करने के बाद मुझे पता चला कि ये गाना गुड न्यूज़ से निकल के जुग जुग जियो में लग गया करके। तो कैसे फीलिंग थी उस टाइम, मतलब जब रिलीज हो रहा है अपना गाना, बहुत उसके पीछे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने सुनी है, जो हमें पता है, तो उसके बाद कैसा लगा आपको आखिरकार, मतलब आ रहा ये है? ये इतने सालों का जो स्ट्रगल था, 15-20 सालों का जो स्ट्रगल था, राइट फ्रॉम मेरी एजुकेशन, जो मैंने, मेरा मुख्य इज मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री में बैकग्राउंड है, ना कोई पहचानने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ। ये मेरी खुद की जर्नी थी, लोनली जर्नी थी बहुत सारी, बट इसका जो अभी फल मिला है
वो अच्छा लगता है। बिल्कुल मीठा फल मिला है। नयनता हीरे, जो ये आपने म्यूजिक डायरेक्ट किया है, इस दौरान कुछ आपकी मतलब यादें होगी, कुछ हंसी मजाक होंगे सेट के ऊपर के, कुछ एक एक्सपीरियंस होगा वो हमें सुनना अच्छा लगेगा। सो इसके दो एक्सपीरियंसेस मैं बताऊंगा कि जब वरुण धवन ने गाना सुना तो उनको गाना बहुत पसंद आया, और ये फिल्म में ये गाना डालने का मुख्य श्रेय वरुण धवन को जाता है। उनको बहुत पसंद आया था गाना, उन्होंने सोचा कि ये मेरा फिल्म में मेन रोमांटिक सॉन्ग यही है, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये लेट्स पुट दिस सॉन्ग इन टू दिस फिल्म। सो वरुण धवन, क्रेडिट गोज टू वरुण धवन। एंड गुरु रंधावा जो इसके सिंगर है इस गाने के, बिल्कुल तो उसकी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जब मैंने गुरु को रिकॉर्ड किया तो सबको अच्छा लगा, बट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा गुरु का रिकॉर्डिंग। फिर मैंने गुरु को रिक्वेस्ट किया कि क्या आप फिर से गा सकते हो। दूसरे दिन उनका शो था, तो उन्होंने शो कैंसिल करके दूसरे दिन फिर से गाना गाया, क्योंकि मैंने कहा वही गाना, वही रिकॉर्डिंग फिर फाइनल सॉन्ग में यूज हुआ। तो बिल्कुल, ये इसकी इंटरेस्टिंग। इतनी मतलब लंबी जर्नी है, तो ये गाना हमारे दर्शकों को भी हम सुनाना चाहते हैं, तो प्लीज। चलिए नैनता हीरे वर्गे रह गए दिलदाचे, हाय नी डर लगता है जान भी ना कड़ ले। नैनता हीरे वर्गे रह गए दिलदाचे, हाय नी डर लगता है जान भी ना कड़ ले। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। नैनता हीरे वर्गे रह गए दिलदा चैन, है नी डर लगता है जान भी ना कड़ ले। वाह बहुत बढ़िया, जैसे आप डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, कभी सिंगिंग का भी शौक आपका, मतलब जिस तरह से हमने आवाज आपकी सुनी है तो आवाज भी बहुत बढ़िया है। सिंगिंग के और कुछ आपके ऐसे अपकमिंग प्लान्स हैं करूंगा इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। गाना तो सीख ही रहा हूँ अभी, पहले कुछ दूसरे लोगों को चांस देते गाने का, फिर अपन भी गाएंगे। बिल्कुल ये बात सही है। गुरुओं के बारे में आप हमेशा मतलब उनको बहुत उनके बारे में आप बताते हो, तो आज क्या बताना चाहोगे आपके गुरु के बारे में? हम तो मेरे मतलब जिस तीन तरह से आपने बताया लोनली जर्नी थी, इस दौरान किस तरह से उनका सपोर्ट था? गुरु का आशीर्वाद मिलना आपके लिए बहुत सच्चा मार्ग है। बिल्कुल सच्चा गुरु मिलना आज के जमाने में, जब हर घंटे की फीस ली जाती है, एक एक घंटे की बिल्कुल फीस तय की जाती है, वहां पे गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको अच्छे गुरु मिलते तो आपको अच्छा मार्गदर्शन हमेशा जरूर करेंगे। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मुझे हमेशा अच्छे गुरु मिले। मेरे गुरुजी पंडित चंद्रकांत लिमे, उस्ताद अजीम खान, और मेरे मुख्य गुरु जो ए आर रहमान जी, जहाँ से मैंने म्यूजिक सीखा है, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा है। सो मैं जो भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ। बिल्कुल। हमारी इसी विश रहती है कि हमने अभी जो कर रहे हैं उसमें हम यहाँ ये करना है, हमें किसी एक हमारी एक एम रहता है, गोल रहता है, तो आपका कुछ ऐसा एम या गोल है कि मुझे हाँ इस तरह का म्यूजिक करना है या ऐसे कुछ, या फिर मुझे हिंदी साउथ इंग्लिश ऐसे कुछ म्यूजिक डायरेक्शन, ऐसा कुछ है आपका एम? नहीं, हिंदी हो, साउथ हो, मराठी हो या इंग्लिश हो, मुझे अच्छा म्यूजिक करना है। और मुझे मेरा मेरी मेरी जो इच्छा है कि यहाँ पे जब हर दूसरे दिन हर अच्छा गाना का रिमिक्स बना के बिगाड़ा जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं ओरिजिनल म्यूजिक लेके आऊँ अरे लोगों वाह के बहुत लिए। बढ़िया। अप एंड डाउन होते हैं हमारे जर्नी में, तो कई अप एंड डाउन होंगे आपके, तो वो आपको याद आते होंगे अभी कि आप मतलब जिस तरह से आपका सॉन्ग रिलीज हो चुका है, उसके बाद कई प्रोजेक्ट आप कर रहे होंगे, तो आपको वो यादें आती होंगी, कुछ अच्छी होगी कुछ बुरी भी होगी, कुछ बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? अच्छी बातें बताना चाहता था, बुरी तो सबकी जर्नी होती है। बिल्कुल सो स्ट्रगल तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। बहुत डिफिकल्ट है ये इंडस्ट्री में करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो कोई भी करना चाहता है मैं बोलूंगा जस्ट गो फॉर इट, लर्न करो अच्छे, फाइंड अच्छा गुरु एंड करो अच्छे से, 100% सक्सेस मिलेगा आपको। आपको कभी ऐसा मतलब एहसास हुआ कि नहीं अभी नहीं हो रहा है, अभी मैं चला जाता हूँ छोड़ के, ऐसा मतलब बहुत बार ऐसा निगेटिविटी आ जाती है किसी चीज से, तो
ऐसा कभी हुआ है आपके साथ भी? बहुत बार हुआ है, लेकिन वो सिर्फ शाम तक होते हैं। रात को मैं सोता हूँ और दूसरे दिन फिर से उसी आशा से और उसी हिम्मत से फिर से काम पे लग जाता हूँ। बिल्कुल। आप मतलब आपने बोला कि आईटी जैसी नौकरियां, आपने आईटी सेक्टर्स की नौकरियां छोड़ के आप म्यूजिक की ओर बढ़े, तो घर वालों का कैसे सपोर्ट था आपको? घर वालों का क्या कहना था? क्योंकि आजकल हम देखते हैं नॉर्मली जॉब के बाद, इतना अच्छा जॉब है, सेटल है, उसके बाद अगर बच्चे ये कर रहे तो घर वाले थोड़ा सा ये करते, कैसा रिस्पॉन्स था? घर वालों ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। जो भी है, जो भी मेरी जर्नी है, उन्होंने, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। जो भी बना उनकी वजह से हुआ। बिल्कुल, वो तो है। क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, और जो न्यू कमर से वो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और इसके साथ ही एक कि आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए, कौन सी आपकी नई म्यूजिक की मतलब आ रहे हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं उसमें आपका म्यूजिक है, क्या बताओगे? So, जो नए कंपोजर्स हैं या फिर सिंगर्स हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अच्छा सीखो, फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन द फेम। फेम 100% आपको मिलेगा, आज मिलेगा नहीं तो कल मिलेगा, और कल भी नहीं मिला तो परसों तो 100% मिलेगा। तो फोकस ऑन लर्निंग, फेम 100% आपको फॉलो करेगा। बिल्कुल। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी है, एक मराठी फिल्म अभी आएगी, एक हिंदी प्रोजेक्ट भी है, बट उसके बारे में मुझे बोलने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, और जिस तरह से आपने बताया जो न्यू कमर से, उन्हें एक अच्छा मैसेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज की खास मुलाकात में वक्त चला यही रुकने का, देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार, थैंक यू। Audio Jungle.